हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान स्लीप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है और आई होप कि आप सभी उस चैंपियन बैच से जुड़ रहे हैं। मैम आपको पेपर टू एजुकेशन पढ़ाएंगी और पेपर वन मैं कवर करने वाला हूं। और इस ओरिएंटेशन सेशन को पहले भी रिकॉर्ड किया जा चुका था और उसमें मैंने आपको जो सिलेबस डिस्कशन करके जो टाइटल दे दिया था ना, इस वजह से ये दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि उस वीडियो में ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रहा था, लेकिन वो सिलेबस लिखने की वजह से ऊपर वो सभी लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि वो सिलेबस कैसे हो सकता है। थोड़ा अलग था वो सिलेबस से, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो अलग था। तो इसीलिए ये एक नया वीडियो, और बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं इस वीडियो पे। लेकिन इस बैच के बारे में यही जानकारी है कि हमारा पेपर टू एजुकेशन का बैच और साथ ही साथ पेपर वन का बैच स्टार्ट हो चुका है। पेपर वन 999 में, अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं और सिर्फ पेपर वन लेना चाहते हैं। पेपर टू जो है हमारा, ये 3499 में है, और अगर आप पेपर टू लेते हैं तो पेपर वन आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आता है इसके साथ, तो आपको एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है पेपर वन के लिए, अगर आप पेपर टू 3499 में लेते हैं दिसंबर बैच के लिए। अगर आप अगस्त सितंबर बैच के लिए लेना चाहते हैं एडमिशन, तो 999 में आपको पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों मिल रहा है। पेपर टू एजुकेशन रहेगा और पेपर वन आपका कॉमन पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस ओरिएंटेशन सेशन को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए भाई, टाइम वाला जो मैंने पहले भी बता रखा था आपको कि हमें हर यूनिट को 4 दिन लगभग देने होंगे, और ये अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 दिन ही होंगे, कि कोई यूनिट 3 में भी हो सकता है, कोई यूनिट 5 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए हमें 40 दिन में अपने सारे यूनिट्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो बचे हुए दिन होंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ अब इन 40 दिनों में आपको अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लेनी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें बिल्कुल JRF आपको क्लियर करना है। और एक फ़ायदा और हो जाएगा दिसंबर एग्ज़ाम वालों के लिए कि आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये 40 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, दूसरा डिटेल सिलेबस जो कंप्लीट होगा वो होगा ही। आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिलेगा ऐप पे, तो बहुत सारी सुविधाएं यहां पे मिलेंगी जो और किसी कोचिंग संस्थान में शायद इतने पर्सनल टच के साथ नहीं मिलता है, जहां पर आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हो, डायरेक्टली हमारे नंबर्स होते हैं आपके पास। देखिए, सिलेबस आपका जो है ऑफिशियल सिलेबस जो NTA द्वारा दिया गया है वो ये है, और हर सिलेबस में लगभग 4 पार्ट होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, पहला आपका एजुकेशनल स्टडीज़ है फर्स्ट यूनिट में, दूसरे यूनिट में हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तीसरे में लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, चौथे में है टीचर एजुकेशन, पाँचवें में है करिकुलम स्टडीज़, छठे में है रिसर्च एंड एजुकेशन, सातवां है पेडागॉजी एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट, आठवां है टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन, नौवां यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, और 10वां यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारा सिलेबस जो है वो ऑफिशियल सिलेबस है, तो अब जो है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि ऑफिशियल सिलेबस जो है वो क्या है। ओके, नाउ अगर आप हिंदी में जानना चाहो तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहला जो है आपका वो होगा शैक्षणिक अध्ययन, ये एजुकेशनल स्टडीज़। दूसरा है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तीसरा आपके पास लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षार्थी तथा अधिगम की प्रक्रिया। चौथा है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। पांचवा हो जाएगा पाठ्यचर्या अध्ययन, करिकुलम स्टडीज़। छठा है शिक्षा में शोध यानी रिसर्च एंड एजुकेशन जो होता है, रिसर्च इन एजुकेशन होगा। और सातवां है पेडागॉजी एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका शिक्षण शास्त्र, और इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा एंड्रागॉजी जो एडल्ट्स के लिए होता है, और साथ ही साथ असेसमेंट यानी मूल्यांकन। और इसमें हम आठवें में देखेंगे शिक्षा में और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, कैसे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप हमारा नया यूनिट है, यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा जो है, ये हमारा 10वां यूनिट होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यूनिट बिल्कुल क्लियर हो गए कि कौन कौन से यूनिट हैं। वापस से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो हैं पेपर टू एजुकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक क्लास आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को देखेंगे, जैसे आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में हमारा जो फोकस होगा वो होगा किस चीज़ पे, माइंड पे, है ना, माइंड। और आइडियलिज्म आइडियाज़ से बना हुआ है, तो आइडियाज़। इसके अलावा जो है रीज़न, और ये बात करता है किस पे, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। और
फिजिकल के ऊपर जो है उसको रखता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट से ऊपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को रखता है ये आइडियलिज्म। और इसके प्रोपोनेंट कौन थे, तो प्लेटो है ना, प्लेटो ये इसके प्रोपोनेंट थे, की प्रोपोनेंट। फिर आ जाता है रियलिज्म। तो ये रियलिज्म में क्या बताया जाता है कि जो रियलिटी होती है ना हमारे ह्यूमन परसेप्शन से इंडिपेंडेंट में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ, बताता हूँ इस लाइन का मतलब जो है क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि क्या हम सोचते हैं और रियलिटी क्या है, वो दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी को देख के सोच रहे हो कि वो अपराधी है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को देखने से आप बता सकते हो कि वो अपराधी है कि नहीं है, है ना। वैसे ही आप अपने रूम में बैठे हुए और बाहर के मौसम का आपने अंदाज़ा लगाया कि बाहर जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन आप बाहर गए और बाहर धूप निकला हुआ है, तो वो क्या है। तो रियलिटी जो है ना वो आपके सोच के हिसाब से नहीं चलती है, रियलिटी अलग चीज़ है और आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया अलग हो सकता है। तो रियलिटी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है ह्यूमन परसेप्शन पे। ये रियलिज्म में बताया जाता है, इसका पूरा का पूरा एम्फेसिस होता है कि भाई हम अपने एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या अनुभव कर रहे हैं और उस आधार पर आप जो है चीज़ों को देखेंगे। तो यानी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और नेचुरल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंस, इसके बारे में बात करता। फिर हम आ जाते हैं नेचुरलिज्म पे, तो ये नेचर को अल्टीमेट रियलिटी बताता है, नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, और उसी को शिक्षा का आधार, शिक्षा का बेस भी बताया जाता है। और नेचुरलिज्म के बारे में बात किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नेचुरलिज्म के बारे में बात किया था रूसो ने, है ना, इन्होंने नेचुरल एक्सपीरियंस से लर्निंग को कैसे आप बढ़ावा दे सकते हैं उसके बारे में बात किया था। फिर आ जाते हैं हम प्रैग्मेटिज्म, तो प्रैग्मेटिज्म क्या है, तो चीज़ों को जो है अलग तरीके से आप करने को हम प्रैग्मेटिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई जो ट्रुथ है वो कैसे डिटरमिन होता है, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज और यूटिलिटी के हिसाब से, है ना। फिर जॉन डूई भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे, ये लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते थे और एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मानते थे, एजुकेशन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। फिर आ जाते हैं हम एग्जिस्टेंशलिज्म में, यानी अस्तित्ववाद। ये क्या बात करता है, ये फोकस करता है कि हमारा फ्रीडम, हमारा चॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अस्तित्व में रहना इंपॉर्टेंट है। आपने डार्विन की एक थ्योरी पढ़ी होगी ना, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूँ, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है। तो इसमें बताया गया कि मानव जाति जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हम पहले जो है वो मछली हुआ करते थे और मछली से आज हम ह्यूमंस बन गए, है ना। तो ये बात किया डार्विन ने, और इसमें यही बात किया गया कि हमेशा सेलेक्शन किस चीज़ का होता है, किसका सेलेक्शन होता है, फिटेस्ट का। और ये आप नौकरी में भी देख सकते हो, ये आप किसी भी एग्जाम में देखते हो, जो सबसे फिट होगा उस जॉब के लिए सेलेक्शन उसका होगा, है ना। तो आज अगर हम जिंदा हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हम सबसे फिट हैं, बाकी सारे प्रजातियों को पीछे करके हम सबसे प्रिंसिपल प्रजाति इस अर्थ पे क्यों हैं, क्योंकि हम जो है वो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे बोला जाता है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म इसी थ्योरी पे काम करता है कि भाई एग्जिस्ट करने के लिए कुछ भी अगर ज़रूरी है तो वो आप करोगे, है ना। और एसेंस को एक्शंस के थ्रू करने की बात यहाँ की जाती है, एसेंस थ्रू एक्शंस। फिर मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म क्या देखता है, सोशल चेंज और क्लास स्ट्रगल को देखता है, एजुकेशन को एक टूल की तरह देखता है कि कैसे सोसाइटी में आप चेंज ले आ सकते हो शिक्षा के आधार पर, कैसे आप क्लास स्ट्रगल को ख़त्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे क्लासेस होती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो इन क्लास स्ट्रगल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, शिक्षा को एक अस्त्र बना के, एक शस्त्र बना के, एक टूल की तरह यूज़ करके। फिर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन के स्कूल हैं कौन कौन से हैं, पहला है सांख्य, सांख्य डुअलिज्म के ऊपर बात करता है, जैसे पुरुष और प्रकृति, और ये बताता है कि पुरुष और प्रकृति के बीच में अगर आप भेद कर पा रहे हैं तो मतलब आप शिक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष क्या है, पुरुष कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, और प्रकृति जो है वो मैटर है, है ना। और शिक्षा का एम सांख्य के हिसाब से क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। वही बात करें अगर वेदांत की, तो वेदांत मतलब वेद का अंत, ये वेद का अंत मतलब ये लास्ट
पार्ट ऑफ वेदा इसे माना जाता है, और इसका फोकस होता है स्पिरिचुअल नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन पे, और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्स है ना, इनके ये जो है वेदांत से इंस्पायर्ड, या फिर कह सकते हैं कि वेदांत का पार्ट है। बुद्धिज़्म तो आपको मालूम है, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया, बुद्धिज़्म को फाउंड किया, और ये बात करता है एट फोल्ड पाथ के बारे में कि हमें अगर एथिकल लिविंग करना, हमें एक बेहतर जीवन जीना है तो हमें एट फोल्ड पाथ पे चलना होगा, मेंटल डिसिप्लिन रखना होगा और मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ एनलाइटमेंट पे फोकस करना होगा, और यहाँ पर निर्वाण की बात किया जाता है, निर्वाण, निर्वाण के बारे में बात किया जाता है। जैनिज्म में बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस के ऊपर जो है फोकस होता है, और जैनिज्म में भी तीर्थंकर्स होते हैं, आपको मालूम है जैन तीर्थंकर्स के बारे में, और ऋषभदेव से लेकर वर्धमान महावीर तक। फिर इस्लामिक ट्रेडिशन बात करता है नॉलेज और एथिकल कंडक्ट को जोड़ने का, यहाँ पर रिलीजियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, वर्ल्डली नॉलेज के बारे में बात करता है ना। तो ये हुआ। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था, तो स्वामी विवेकानंद ने कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत बात किया था कि कैसे आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हो, चरित्र निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, और एजुकेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिटी बहुत ज़रूरी है सभी रिलीजन्स का अगर एक बेहतर वर्ल्ड चाहते हैं हम। और इनका कोट बहुत ज़्यादा फेमस कोट्स भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ये बात करते थे नेचुरलिज्म के बारे में, ये बात करते थे नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग करने के बारे में, इनका पूरा का पूरा फोकस था सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को आप एक्सप्रेस करिए, फ्रीडम, लर्निंग। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया, फॉर एग्जांपल शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है वो, और इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर भी दिया गया गीतांजलि के लिए। महात्मा गांधी जो है वो बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते थे, और मैंने पहले ही बताया था बेसिक एजुकेशन को नई तालीम के भी नाम से जाना जाता था। इनका फोकस किस चीज़ पे था, इनका फोकस था कि आप जो है वो कुछ ना कुछ काम करके और अपने वोकेशनल ट्रेनिंग से खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, है ना। तो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में ये बात करते थे, और ये स्किल्स के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इनका बहुत जोर था। आप इनको चरखे के साथ हमेशा देख सकते थे, और उसका मतलब यही था कि आप सेल्फ सफिशिएंट बने, अपने कपड़े से लेकर अपने खाना पकाने तक और साफ सफाई रखने तक, है ना, स्वच्छता भी, स्वच्छता को भी ये बहुत महत्व देते थे, तो महात्मा गांधी। फिर श्री अरबिंदो हैं, तो ये प्रमोट करते थे इंटीग्रल एजुकेशन को, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ के ये देखते थे। और जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे, इनका स्ट्रेस था किस चीज़ पे, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, और पहले भी मैंने बात किया था कि ये जो है वो जैसे बच्चों को आज हम कंडीशन कर दे रहे हैं और उनको हम एक रोबोट की तरह तैयार कर रहे हैं, है ना, एक ही चीज़ पढ़ाना, उनको सारे क्लासेस में एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, एक ही तरीके का सोच रख रहे हैं, सभी लोग इंजीनियर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो इनका मतलब ये था कि उनको फ्रीडम दिलवाना इस कंडीशनिंग से और उनको खुद से सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति का कहना था। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स, फॉर एग्जांपल प्लेटो ने बोला कि भाई रोल ऑफ एजुकेशन जो है ना वो जस्टिस और आइडियल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल ने बात किया प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, रैशनल फैकल्टीज़ के बारे में। रूसो ने बात किया नेचुरल एजुकेशन के बारे में, फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कैसे लर्निंग मिल सकता है, प्रत्यक्ष से, जो प्रत्यक्ष अनुभव है उससे जो लर्निंग है वो सबसे बेहतर होता है। फिर जॉन डूई ने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात किया था, इनका एम्फेसिस था किस चीज़ पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, ये भी अनुभव जनित जो अधिगम था उसके ऊपर बात करते थे। फिर मारिया मोंटेसरी ये बात करती थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, इनका फोकस था इंडिपेंडेंस और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में। फिर फ्रेडरिक फ्रोबिल थे, इन्होंने, इनको फादर ऑफ किंडरगार्टन भी कहा जाता है। किंडरगार्टन आपको मालूम है ना, जैसे UKG, LKG, आप जो आपने सुना होगा, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन मेथड जो है उसका प्रोपोनेंट, उसका फादर इनको माना जाता है। और अब ये फादर टर्म यूज़ नहीं करते हम, याद रखिएगा, है ना, तो या तो ये फाउंडर हो जाएगा या तो प्रोपोनेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फादर टर्म जो है वो जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है ना, तो इसके वजह से अब हम इस टर्म को अवॉइड ही करते हैं, और हर जगह आप देखोगे कि इसको अवॉइड किया जाएगा। तो ये जो है चाइल्डहुड एजुकेशन में क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, प्ले के बारे में बात करते हैं।
फिर मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया कि भाई जो शिक्षा का जो एम है ना वो क्या है। तीनों डोमेन यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइको मोटर डोमेन, इन तीनों डोमेन्स में डेवलपमेंट ही शिक्षा का जो है वो मूलभूत लक्ष्य है। और सोशल और मोरल वैल्यूज़ ये भी है, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। फिर एजुकेशन का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर हम सोशलाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल को इकोनॉमिक रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर सोसाइटी के लिए अगर रोल देखेंगे तो देखिए एजुकेशन जो है वो एक टूल की तरह काम करता है सोशल चेंज के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, है ना, सोशल चेंज, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एजुकेशन। आज अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो खुद से आप पैसे कमाने लगोगे, यानी कि वो पर्सनल ग्रोथ भी आपका होगा ही और साथ ही साथ सोसाइटी में एक बेहतर सिटीजन आप बनोगे, है ना। फिर सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ देयर कल्चर, है ना। तो सोशलाइजेशन मतलब यही होता है कि अपने कल्चर का, अपने संस्कृति के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी वहाँ का व्यवहार है, जो भी वहाँ की मूल्य हैं, उसको आप अगर अपने अंदर अंतर्निहित कर रहे हो तो इसी को हम कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। अलग अलग सोशल स्ट्रेटा बांटे गए हैं, अलग अलग सोशल स्ट्रेटा में जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, अलग अलग क्लास है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अलग अलग कास्ट है ना, अलग अलग एथनिसिटी है, फॉर एग्जांपल ब्लैक वाइट, ये जो है अलग अलग कलर के लोग होते हैं ना, कोई ब्लैक होता है, कोई गेहुआ होता है, कोई वाइट होता है। फिर सोशल मोबिलिटी क्या होता है, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी की कैसे उस सोशल हायरार्की में, यानी ये क्लास वाले में जैसे अपर, मिडिल और लोअर, तो अगर कोई इंडिविजुअल लोअर क्लास है और वो पढ़ लिख जाता है तो वो अपर क्लास तक जा सकता है, तो इसी को हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। और सोशल मोबिलिटी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एजुकेशन, है ना। इसके बाद सोशल चेंज के बारे में बात करेंगे, तो देखिए जो कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस का समय के साथ जो उनमें बदलाव आ रहा है इसी को हम कहते हैं सोशल चेंज। फिर सोशल थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म में क्या बात करेंगे, सोसाइटी को जो है ना हम इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें, तभी जाके स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, है ना। तो फंक्शनलिज्म में हम इंटरकनेक्टेड पार्ट्स के बारे में बात करते हैं सोसाइटी की, जहाँ पर शिक्षा को एक माध्यम की तरह देखा जाता है जो भी लोग हैं उनको सोशलाइज करने के लिए और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, है ना, समाज में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन हो, दंगा फसाद ना हो, सब में भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो, उसके लिए हम देखते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये बात करता है कि भाई कैसे पावर और इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो अफेक्ट करती है और कैसे एजुकेशन जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए, कि कोई अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, तो हम एजुकेशन के थ्रू इस गैप को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है इंटरैक्शनिज्म, इसमें हम बात करते हैं माइक्रो लेवल इंटरैक्शंस जो एक दूसरे के बीच में होता है और शिक्षा से कैसे आप इन इंटरैक्शन को सेव कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी बनाए, एक सोसाइटी के नॉर्म्स बनाए। ये सारी चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। फिर एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे रिलेशनशिप जो होता है एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में होता है, कैसे एजुकेशन जो है, कैसे जो है शिक्षा समाज को इफेक्ट करता है और समाज जो है वो शिक्षा को, समाज जैसा होगा वहाँ वैसी शिक्षा। पाकिस्तान में आप देखते हो, पाकिस्तान में जो शिक्षा दिया जाता है और जो इंडिया में दिया जाता है, देखो कितना डिफरेंट है। इंडिया का समाज अलग है, पाकिस्तान का समाज अलग है, यहाँ उस हिसाब से शिक्षा दिया जाता है, भारत में इस हिसाब से, इसीलिए पाकिस्तान इतना पीछे और भारत इतना आगे है, है ना। तो इंडिया जो है और पाकिस्तान में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखिए एजुकेशन का सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट आता है, सोसाइटी का एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट आता है। मतलब अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सोसाइटी बेहतर बनेगी, सोसाइटी बेहतर बनेगी तो फिर अच्छा एजुकेशन और प्रोवाइड किया जाएगा। तो एजुकेशन को हम एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देख सकते हैं सोशल चेंज लाने के लिए। और एजुकेशन और कल्चर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक बॉन्डिंग होता है। अगर बेहतर एजुकेशन रहेगा तो आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ को अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकते हैं और उनके बीच जो है अपने कल्चर को लेके एक सेंसिटिविटी भी क्रिएट होगी। फिर एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी आप कर सकते हो, एजुकेशन जितना
इंपॉर्टेंट है मॉडर्नाइजेशन के लिए उतना कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप साइंटिफिक टेंपर डेवलप कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला सकते हो, अलग अलग तकनीक जो है अपने देश में ला सकते हो, एजुकेशन के थ्रू ये पॉसिबल है। फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं जेंडर के बेसिस पे भी, कई जगह जो है फीमेल्स को और मेल्स को जो है वो अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है अपॉर्चुनिटीज़। कई जगह फीमेल्स को जल्दी शादी करा दिया जाता है, इनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, और मेल्स को मिल जाता है। और कई कास्ट ऐसे हैं जो कि इतने गरीब हैं कि वो पढ़ने लिखने का समय नहीं है, वो अपना पेट पालने के लिए काम करते रहते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। कई क्लास ऐसे हैं जो सेम काम ये जो कास्ट में होता है वो क्लास वाले में भी हो जाता है, कम पैसे के कारण वो एडमिशन कहीं नहीं ले पाते हैं। फिर कई रीजंस ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाके हैं और उनके यहाँ अच्छे सुविधाएं ही नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स ही नहीं हैं, और रोड्स ख़राब हैं, वहाँ कहीं अगर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, कहीं भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, ऐसे एरियाज़ में रहने वाले दूर दराज के, जैसे लद्दाख का एरिया हो गया, उत्तराखंड का कोई बहुत दूर दराज एरिया हो गया, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। तो ये सारे कारण बनते हैं एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ की, है ना, कि कैसे शैक्षिक असमानताएँ जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम देखेंगे तो देखिए कैसे जो है एक इंसान जो है वो सीखता है और ख़ुद को डेवलप करता है एजुकेशनल सेटिंग में, इसके बारे में बात होगा। फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ना, इसका अलग अलग मेथड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करके देखते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके या फिर केस स्टडी करके देखते हो। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आप डिफरेंस मालूम है, ग्रोथ जो है वो एक तौर पर आप देखोगे तो ये डायनेमिक प्रोसेस डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ जो है ना वो एक ही आयाम में रहता है ना, ग्रोथ सिर्फ एक आयाम के बारे में बात करेगा, सिंगल एंटिटी के बारे में बात करेगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल सभी मिला के होता है, और ग्रोथ जो है सिर्फ एक आयाम, जैसे फिजिकल ग्रोथ हुआ है ना तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। फिर जैसे आपको मालूम है कि भाई फिजिकल में अगर बात की हमने, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, है ना, इन सभी डेवलपमेंट को मिलके ही जो है वो आप इन्फेंसी से एडल्टहुड तक पहुंचते हैं। और पियाजे की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस देते हैं ये SPCF वाला। फिर एरिक एरिक्सन बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पर ये आइडेंटिटी और सोशल डेवलपमेंट का स्टेज देते हैं। कोलबर्ग बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में, ये बात करते हैं मोरल रीजनिंग के बारे में, ये भी स्टेजेस देते हैं मोरल रीजनिंग के। फिर लर्निंग थ्योरीज में बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद देते हैं पावलो और स्किनर, ये पावलो के बारे में डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है चैनल की यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और ये जो है वो डॉग से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कैट से करते हैं। फिर कॉग्निटिविज्म के बारे में बात होता है जो ब्रूनर और ऑसबिल ने दिया था, इसका एम्फेसिस होता है मेंटल प्रोसेस पे, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात होता है जहाँ पर लर्निंग को एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माना जाता है रचनावाद में। और पियाजे और वाइगोस्की जैसे जो हमारे प्रोपोनेंट थे, जैसे एजुकेशनिस्ट या फिर कह दो कि फिलोसोफर्स थे, उन्होंने दिया था ये। फिर मोटिवेशन के थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग का जो है वो मोटिवेशन थ्योरी, तो मैस्लो वाला जो हायरार्की ऑफ नीड है, फिर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से लेके और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जो हमारा एक पिरामिड बनता है ना, सेफ्टी नीड्स है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जो भी हमारे नीड्स हैं है ना, और उसके बाद से हम पहुंचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, ये सबसे हाईएस्ट होता है। फिर पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास वीडियो अवेलेबल है ऑन द चैनल, सो यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। फिर यूंग के बारे में और रोजर्स के बारे में भी डिस्कस है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे करोगे आप, पर्सनालिटी का असेसमेंट, अच्छा हाँ, रोजर्स जो है वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बात करते हैं। यूंग एनालिटिकल साइकोलॉजी और इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रोवर्जन के बारे में बात करते हैं। और पर्सनालिटी का असेसमेंट हम अलग अलग टूल और टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम मेजर कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं। फिर रिसर्च इन एजुकेशन, तो देखिए रिसर्च मतलब रिसर्च, सर्चिंग अगेन एंड व्हाई यू नीड टू सर्च अगेन, क्यों आपको ज़रूरी है कि आप दोबारा सर्च करें, फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वर्क। अगर आप पहले से कोई काम है उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें और कुछ इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो आप रिसर्च करते हैं। और रिसर्च के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू आप करते हो, और इसके बाद ऐसे ही स्टेप में बढ़ते बढ़ते आप जो है वो मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को,
पब्लिश करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो है मीनिंग और करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, आपको मालूम है, फैक्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, नए कंक्लूजन्स निकालने के लिए। रिसर्च के टाइप भी अलग अलग होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव में नैरेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें आप क्या करते हो, आप जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हो कि आप कोई चर होता है कोई भी, उसको आप जो है वो यूज़ करके कम ज़्यादा करके और देखते हो कि उसका क्या इफेक्ट आता है, है ना। तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हो। और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है ना, वो आप लैबोरेटरी स्टाइल में करते हो, तो वहाँ पर आपको जो है वो जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करने का भी मौका होता है, और जो भी वेरिएबल्स वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं उनको हटाने का भी मौका होता है। रिसर्च के टाइप आपको पता चल गया। क्वालिटेटिव होता है, ये जो है वो सब्जेक्टिव नेचर में होता है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव, या फिर यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव में, आपको मालूम ही होगा। और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, मिक्स्ड मेथड में दोनों का मिक्स होता है, क्वालिटेटिव और इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल वाले में आप कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हो। डिस्क्रिप्टिव वाले में आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो करैक्टरिस्टिक कोई भी पॉपुलेशन या फेनोमेना का। हिस्टोरिकल में क्या करते हो, आप जो भी पुराने इवेंट्स हो चुके हैं उनको समझने की कोशिश करते हो और प्रेजेंट से उसको जो है कंपेयर करते हो। फिर केस स्टडी में आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, कोई भी एक केस लेके, कोई भी केस लेके आप स्टडी करते हो। फिर सैम्पलिंग टेक्निक, जैसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग हो जाता है, है ना। फिर डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं अलग अलग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कर सकते हो, क्वेश्चनएयर तैयार करके, और जैसे आपके पास रिटर्न सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। फिर टेस्ट ले सकते हो, जैसे स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नॉलेज मेजर करने के लिए, स्किल्स मेजर करने के लिए, एबिलिटी मेजर करने के लिए। फिर डेटा एनालिसिस के बारे में अगर बात हम करते हैं तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो, सेंट्रल टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन और मोड के बारे में बात होता है यहां। फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर वेरिएबिलिटी के मेजर्स जो होते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कौन कौन से होते हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने देख ही लिया, है ना, और सॉरी ये डिस्क्रिप्टिव का था। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे तो जो टेक्निक होते हैं, जैसे टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये जो है ये सब इसके पार्ट हैं। फिर रिसर्च और रिपोर्ट राइटिंग में आप स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च देख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन, कैसे आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कौन सा रिसोर्स मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, उसके बाद से आप जो है वो कैसे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट पब्लिश होगा, फिर डिस्कस होगा, कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्या मीनिंग होता है इसका। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप टीचिंग को कैसे करते हैं सपोर्ट करने के लिए, है ना, और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, वो होगा। फिर अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं इसके, और आप जो है वो हार्डवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सिस्टम अप्रोच आप यूज़ करते हो, यहाँ पर आप रिसोर्सेज और मेथड्स को एक साथ इंटीग्रेट करके देखते हो। सॉफ्टवेयर में आप एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, हार्डवेयर में आप अलग अलग इक्विपमेंट और डिवाइसेज जैसे कि स्मार्ट बोर्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे ICT आज के डेट में बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, और इसके साथ साथ सबको एक्सेसिबिलिटी मिल सके, सबको जो है वो एक्सेस मिल सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टाइम जिनके पास नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी है ICT के थ्रू, और इंगेजमेंट को भी प्रमोट किया जा सकता है। ई लर्निंग जो है क्या होता है, इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके सीख रहे हो तो उसको ई लर्निंग कहते हैं। एम लर्निंग मतलब उसी चीज़ को अगर आप मोबाइल में भी कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आप जो है मूव कर सकते हो ये पढ़ते हुए, तो उसको एम लर्निंग कहेंगे। वही ऑनलाइन लर्निंग, कोई भी एजुकेशन, कोई भी शिक्षा जो है जो इंटरनेट के ऊपर आप कर रहे हो उसको ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के बारे में जो हम बात करें तो मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या क्या होता है, ADDIE और ASSURE, दो मॉडल हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम ADDIE मॉडल के बारे में अगर हम बात करें
और अश्योर मॉडल के बारे में बात करते हो, एडी में क्या होता है एनालिसिस, इसका होता है एनालिसिस, फिर आ जाता है डिज़ाइन, फिर आ जाता है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, और इसके बाद आ जाएगा इवेल्युएशन। वहीं अश्योर में अगर हम बात करें तो एनालाइज लर्नर्स, फिर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट मीडिया मटेरियल्स, मीडिया एंड मटेरियल्स, फिर यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, और इवेल्युएट एंड रिवाइज। ये ऐसे आप याद कर सकते हो अश्योर। फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपका स्वयं है, फिर इसके बाद कोर्सेरा है, और ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं ये ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो बहुत लार्ज स्केल पे इन पे पार्टिसिपेशन होता है, और ये टिपिकली तो फ्री होते हैं, लेकिन अगर पे भी होते हैं तो बहुत कम ही पैसा देना होता है। वर्चुअल रियलिटी में आप सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करना सीखते हो, ऐसे इन्वायरमेंट जो लगेगा कि रियलिटी में ही हो लेकिन वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, लेकिन इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगेगा कि आप उसके अंदर ही चीज़ें कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अगर मैं वीआर हेडसेट आपके आंखों पे लगा दूं और आप प्लेन उड़ा रहे हो तो आपको लगेगा कि आप रियल प्लेन उड़ा रहे हो, तो इससे ही समझ लो। ऑगमेंटेड रियलिटी आपके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर ओवरले करके, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करोगे और आपके सामने एक शेर दिखने लगेगा उस कैमरे के थ्रू ही, तो वो कैसे होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। वो क्या करता है, बिल्डअप करता है डिजिटल ओवरलेस, और उसका इस्तेमाल होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, है ना, ये होता है। फिर आ जाते हैं हम करिकुलम पे, पाठ्यचर्या जो होता है, तो इसमें क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मल करिकुलम होता है और एक इनफॉर्मल करिकुलम होता है, एक हिडन करिकुलम होता है ना। फॉर्मल वाला जो है वो ऑफिशियली जो करिकुलम दिया जाता है, जो कोर्सेज और कंटेंट दिए जाते हैं, इनफॉर्मल वाला क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। हिडन करिकुलम क्या होता है, ऐसे करिकुलम में कुछ चीज़ें होती है ना जो बताया तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी बच्चे सीख जाते हैं, और बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और वो आप कुछ और पढ़ा रहे हो लेकिन उससे अगर उनको कुछ और सीखने को मिला, उसे हम कहते हैं हिडन करिकुलम, तो वो अनइंटेंडेड लेसन्स होते हैं। फिर करिकुलम डेवलपमेंट के भी मॉडल होता है, जैसे टाइलर मॉडल होता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना, फिर इवेल्युएट करना, ये टाइलर का मॉडल है। वही टाबा का मॉडल जो है वो ग्रास रूट अप्रोच पे बात करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिला था अभी कैंसल वाले एग्जाम में, जो कैंसल हो गया था एग्जाम उसमें, है ना, तो ग्रास रूट अप्रोच था, टाबा के मॉडल में होता है। फिर टीचर डिजाइन करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स नीड, टाबा में, है ना, टीचर डिजाइन, यहाँ पे टीचर डिजाइन करते हैं ऐसे करिकुलम जो कि स्टूडेंट्स के नीड के ऊपर बेस्ड होता है, स्टूडेंट नीड बेस्ड। फिर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं उसके रेलेवेंस के हिसाब से, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में हम देखेंगे कि लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम कंटेंट को, इंटीग्रेट करते हैं उनको, आपस में जोड़ते हुए देखते हैं। और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से स्ट्रेटेजीज लगाई जा रही हैं ताकि जो करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है ना वो प्रैक्टिस में लाया जा सके, और यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और रिसोर्सेज, जो सोसाइटी है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर आ जाते हैं हम करिकुलम इवेल्युएशन के ऊपर, तो इवेल्युएशन में भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस या ड्यूरिंग द क्लास आप याद रख सकते हो फॉर्मेटिव। और समेटिव जो होता है ना ये एंड टर्म में होता है, और समेटिव का यूज़ करके आप क्लास से, एक क्लास से दूसरे क्लास में जो बच्चा प्रमोट होता है तो फाइनल एग्ज़ाम जो है वो समेटिव इवेल्युएशन होता है। तो असेसमेंट विच happens at the end of an instructional unit to measure the effectiveness and outcomes is known as summative evaluation, okay? Now, आगे चलते हैं। Summative evaluation, ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, और formative होता है रचनात्मक मूल्यांकन। फिर आ जाते हैं हम pedagogy पे, तो pedagogy क्या है? Pedagogy का मतलब होता है the art and science of teaching, the art and science of teaching। अगर आप पेपर वन में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे नहीं, मेरे लर्निंग स्टाइल, मेरे टीचिंग स्टाइल से आप पढ़ना चाहते हो, आप उससे प्रभावित होगे तभी आप पढ़ोगे। आप एक टीचर को सिलेक्ट करते हैं तो आप उस टीचर को सिलेक्ट ना करके उनके पढ़ाने के तरीकों को सिलेक्ट करते हैं, उनके पेडागॉजी को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो वो इसी को हम कहते हैं पेडागॉजी, मतलब किस आर्ट और किस साइंस का यूज़ करके आप टीचिंग करते हैं, कैसे बच्चों को आपके पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, उसी को हम कहते हैं पेडागॉजी। और ये मेथड्स और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। अगर मेथड में देखें तो हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जो है ना, ये टीचर सेंटर्ड होता है लेकिन बड़े ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए और एक साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। डिस्कशन मेथड में
स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। वहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली इंगेज होते हैं सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में, इससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होता है और नॉलेज का एप्लीकेशन वो कर पाते हैं। फिर एंड्रागॉजी के बारे में बात करें तो देखिए कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स में सबसे पहले भाई एडल्ट लर्नर्स को आप एंड्रागॉजी के थ्रू टारगेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो भी वयस्क शिक्षार्थी हैं ना उनके बारे में बात होता है और सेल्फ डायरेक्शन के, क्योंकि वो अडल्ट हैं तो वो खुद भी अपने नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ डायरेक्शन है ना, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर हम फोकस करते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और प्रैक्टिकल रेलेवेंस के बारे में हम बात करते हैं। फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में वही फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो ऑनगोइंग होता है, समेटिव वाला फाइनल होता है, डायग्नोस्टिक वाला क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट मतलब प्री असेसमेंट होता है, यानी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायग्नोज करोगे उसको क्या प्रॉब्लम है। फिर नॉर्म रेफरेंस्ड में कंपैरिजन होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था है ना, नॉर्म रेफरेंस होता है, नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कंपैरिजन होता है, और वहीं पे अगर क्राइटेरियन रेफरेंस होता है ना तो यहाँ पर स्टैंडर्ड होता है। तो अगर कहीं आपको दिया होता है कि 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं है ना, तो आपको इसको पार करना है तो वो हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस। वहीं अगर आपको एक बच्चे से कम्पीट करना है, फॉर एग्जांपल परसेंटाइल, जैसे आपने 99.9 परसेंटाइल ला दिया तो वो आपने क्या किया, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के थ्रू कैलकुलेट किया गया आपके मार्क्स और जो आपके सहपाठी हैं उनके मार्क्स को आपस में कंपेयर करके, तो ये मालूम चल गया। फिर अभी रीसेंट ट्रेंड्स अगर देखें हम इसमें, तो सबसे रीसेंट ट्रेंड में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी CCE और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है। CCE में आप क्या करते हो, होलिस्टिक असेसमेंट करते हो, जो भी बच्चा है जो भी लर्नर है उनके जो विकास है उसका है ना सार्वभौमिक असेसमेंट। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट में रेगुलर इनफॉर्मल असेसमेंट होता है ताकि प्रोग्रेस को और फीडबैक को जो है आप देख सको। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि आप एक जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी एक शिक्षण संस्थान है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं उसके बारे में बात होगा। फिर थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल थ्योरी जो होता है उसका फोकस होता है एफिशिएंसी हायरार्की पे और डिवीज़न ऑफ लेबर पे, जैसे टेलरिज्म और फेओल के प्रिंसिपल्स में बताया गया। ह्यूमन रिलेशंस में एम्फेसिस होता है किस चीज़ पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, एम्प्लॉई के वेलबींग पे, जैसे मेयो और हॉथर्न स्टडीज़ में बताया गया है ना। फिर लीडरशिप, अलग अलग तरीके का लीडरशिप होता है ना, फॉर एग्जांपल एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, इंस्पायर और मोटिवेट किया जाता है, जो लीडर है इंस्पायर और मोटिवेट करता है। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, ये सुपरविजन पे फोकस होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होता है यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप जो है वो शेयर होता है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच, अलग अलग मेंबर्स जो है वो इसमें शेयर करते हैं लीडरशिप को, कोई एक लीडर नहीं होता है। वही अगर हम बात करें एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में तो देखिए एजुकेशनल प्लानिंग में एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सकता है, ऑपरेशनल प्लानिंग हो सकता है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो भी प्लानिंग आप करते हो कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल में लाना है कि आपको सिलेबस जो है वो 4 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग हो गया है ना। फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आप करते हो है ना, POSDC। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है ना, ये आप करते हो। और इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जहाँ पर आप फोकस करते हो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे, हर एस्पेक्ट जो शिक्षा का, शिक्षा के जितने आयाम हैं उन सभी फोकस करते हो और मैनेज करते हो, क्या ह्यूमन मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सभी को मैनेज करना, ये हो जाएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात होगा, यानी कि यहाँ पर बात होगा किस चीज़ के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, सबको शामिल करना शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और इसीलिए अर्थ और सिद्धांत अगर देखें हम समावेशी शिक्षा का, तो यहाँ पर बात किया जाता है कि जो शिक्षा है ना वो सभी शिक्षार्थियों को अकोमोडेट करे, किसी में मतभेद ना करे, जैसे उनके फिजिकल, उनके जो भी एस्पेक्ट्स हों, इंटेलेक्चुअली कैसे भी हों, उनका दिमाग कैसा भी हो, उनका सोशल ऑर्डर कैसा भी हो, उनका लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भले ही हों, लेकिन उसके अलावा उन सभी को आपको जो है ना अपने कक्षा में शामिल करना है और उन सभी के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअलिस्टिक उनको
आप प्रोवाइड कर सकते हैं लर्निंग। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन, कैसे जो है पॉलिसीज बने, कैसे प्रैक्टिस में लाया गया ये भी। फिर नीतियाँ और कानून यानी पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ जो हैं वो बन रही हैं, जैसे यूएन कन्वेंशन आया है ऑन राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, है ना। फिर सैलमैंका स्टेटमेंट आया, इंडियन राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, फिर RPWD एक्ट आया जो PWD एक्ट के ऊपर जो है एक राइट बना दिया गया है ना, तो अब जो है वो एक अधिकार हो गया, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट, और इसमें लीगली जो है वो अश्योर कर दिया गया है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए जिनकी जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसेबिलिटी है किसी भी तरीके से, अगर वो दिव्यांग हैं तो उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको जो है बराबर मौका मिलना चाहिए। फिर इंक्लूसिव प्रैक्टिस यानी समावेशी अभ्यास, जहाँ पे समावेश के लिए, इंक्लूजन के लिए रणनीतियाँ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको जैसा ज़रूरत है वैसा उसको पढ़ाई आप कराओ, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको हियरिंग एड प्रोवाइड कराना, अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसको ब्रेल में जो है चीज़ों को पढ़ाना, ये हो गया। फिर टीचर्स का रोल और एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल जो है यहाँ पर डिसाइड होगा, जहाँ पर आप ऐसी क्लासरूम्स बनाओगे जो समावेशी हों, जहाँ पर सबको जो है वो मौका दिया जाता हो, करिकुलम भी वैसा ही अडॉप्ट करोगे और सपोर्ट भी वैसा ही प्रोवाइड करोगे। फिर क्या क्या बाधाएँ आ रही हैं समावेशन में, वॉट आर द बैरियर्स टू इंक्लूजन, ये देखोगे। सबसे पहले तो एटीट्यूडनल बैरियर, व्यवहारिक बैरियर्स हैं, बहुत लोग जो है वो दिव्यांग लोगों के देख के जो है वो हंसते हैं, कोई उनका मजाक उड़ाता है, तो ये एटीट्यूड हटाना होगा। किसी भी तरीके का अब पूर्वाग्रह अपने मन में लेके नहीं चलना है, प्रीजुडिसेस नहीं लेना है, स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है। हो सकता है उस दिव्यांग में बहुत ऐसे बच्चे हों जो आगे चल के भारत का नाम रोशन करेंगे। फिर फिजिकल यानी शारीरिक बाधाएँ हो सकती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो सोशल बैरियर भी हो। फिजिकल वाले में ये भी हो सकता है कि जैसे वहाँ सीढ़ियाँ ना हो, वहाँ रैंप ना हो, अच्छा जहाँ से अगर कोई बच्चा जहाँ जो जिसका पैर नहीं है तो वो रैंप के थ्रू जा सके, उसके लिए वो सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो वो जो है बाधाएं बन जाती हैं इंक्लूजन में। फिर हम देखते हैं टीचर एजुकेशन, और इसके अलावा जो है टीचर एजुकेशन में हम क्या देखेंगे, कैसे टीचर्स को जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अच्छे से टीचिंग कराएं, अच्छे से लर्निंग कराएं, और उसके लिए उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात करें तो कैसे टीचर्स का इवोल्यूशन होगा उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के थ्रू, और कैसे जो है वो टीचर इवॉल्व होंगे। फिर प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन, यानी कि प्री सर्विस एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो एजुकेशन होता है, जैसे आप बीएड या फिर BTC कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी पढ़ाई कराया जाता है उसको हम कहते हैं प्री सर्विस एजुकेशन, है ना। और ये इनिशियल टीचर ट्रेनिंग होता है, आप प्रोफेशन में आने से पहले वो कर रहे हैं, और इन सर्विस मतलब आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बीच में जो है ये आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो है वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जो है आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, उनका अलग अलग रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये करिकुलम वगैरह बनाते हैं, NCTE नेशनल काउंसिल ऑन टीचर एजुकेशन है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, SCERT जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, फिर यूनिवर्सिटीज़ और NGOs बहुत सारे हैं जो कि टीचर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि जीवन पर्यंत शिक्षा के बारे में बात किया जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ के बारे में बात होता है। फिर टीचर एजुकेशन में क्या क्या जो है वो नए नए इनोवेशंस आ सकते हैं, टीचर एजुकेशन में नवाचार क्या क्या आ सकता है, उसमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, हाल के रुझान क्या हैं, और रीसेंट ट्रेंड्स में जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स को और बेहतर बनाया जा रहा है, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस आ रही हैं जहां पर समावेशी तौर पे जो है टीचर्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपने मन में कोई पूर्वाग्रह लेके ना चलें और सबको एक समान जो है वो पढ़ाई कराएं, एक समान अधिकार दें, और रिसर्च बेस्ड टीचिंग हो रहा है, यानी सबसे पहले जो है वो अनुसंधान करके ये तरीका अपनाना कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे उस चीज़ को पढ़ाना। तो ये जो है सारे तरीके हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसके पहले जो है सिलेबस के बारे में भी हमने बात किया, सिलेबस जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस के बारे में ही हमने बात किया था, और ये आपका सिलेबस है, और ये सिलेबस जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट मैम कराएंगी आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्लास था आपके लिए। अगर ये एक क्लास आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाएंगी, है ना। तो इसी के साथ जो है एक सेकंड,
तो इसी के साथ जाते जाते एक बहुत अच्छा कोट देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा थॉट देख लेते हैं। सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद। और इसी के साथ जाते जाते एक कोट देख लेते हैं, एक थॉट देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है कि सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं और आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। तो यही विश्वास अपने अंदर जगाइए और इस बार हमें JRF का जो ड्रीम है आपका उसको कंप्लीट करना है। और उसके लिए आप जुड़िए हमारे बैच से, जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, चैम्पियन बैच, और जहाँ पर Paper 1 और Paper 2 की बहुत बेहतरीन जो है वो तैयारी चल रही है। और मैं होप करूँगा कि आप उस बैच में हमसे मिलें, और जो भी हमारे लर्नर्स हमारे पुराने हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप ज्ञानस्लीप नए हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम बिल्कुल बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो है आपको बताई जाती हैं। और इसके साथ साथ हम अपना 110% देते हैं, बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है अपना बेहतर दो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और टेलीग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करिए, ज्ञानस्थली क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार।